हेलो गाइस, स्वागत है आपका और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज हमारे पास अल्टो, और आप देख रहे हैं जो अल्टो का गियर लीवर है वो कैसा मैनुअल होता है बिल्कुल। तो गाइस, बहुत से लोगों को गियर के अंदर प्रॉब्लम आती है कि गियर कैसे लगाते हैं। गाइस, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, ये फाइव, और ये रिवर्स। तो गाइस, आपको बताएंगे वीडियो के अंदर कि इसको गियर को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसको काम में लेना। तो गाइस, सबसे पहले अगर जो बंदा फर्स्ट बार गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए, तो सबसे पहले आप अगर गाड़ी को ऑन करके गियर लगाए तो सबसे पहले तो आपको क्लच को जो है क्लच को दबा लेना गाइस। और ये गियर सिस्टम है, तो गाइस ये यहाँ पे इसको हल्का सा पुश करके आगे देखना, ये फर्स्ट गियर हो गया साइज, और इसी की जगह वापस सेकेंड, ये सेकेंड वाला हो गया। और बहुत से लोगों को थर्ड गियर के अंदर प्रॉब्लम आती है गाइस, तो ये इजीली है बहुत ही इसको। तो गाइस, ये था सेकंड, और थर्ड के लिए हमको इजीली वापस इसको आगे ले जाएं और हल्का सा पुश करते हैं, ये थर्ड गियर हो गया गाइस। तो इजीली हमें इसको काम में लेना है, जोर से करेंगे तो गाइस गाड़ी में दिक्कत हो सकती है गियर के अंदर, तो ये इजीली वर्क करता है। ये इसी जगह फोर्थ गियर हो गया, और गाइस ये फिर बीच में लिया इसको, और ये आगे करके ये फिफ्थ गियर, ये पांचों गियर एक साथ देख लिया अपने वीडियो के अंदर। और ये इसी की जगह पर रिवर्स करना है, तो इसी के आगे आगे था ऐसे, इसी पोजीशन के अंदर आपको पीछे की तरफ पुश कर देना है। तो गाइस, ये हमारा रिवर्स गियर हो गया, और जो बीच के अंदर था गाइस, ऐसे ये इस पोजीशन के अंदर है ना, गाड़ी न्यूट्रल के अंदर होता है, इसके अंदर आप न्यूट्रल को अच्छे तरह से जान सकते हैं। अगर गाड़ी, अगर आपको न्यूट्रल को जानना है तो गाइस, अगर गाड़ी गियर के अंदर होगी तो ये इस तरह मूवमेंट नहीं करेगा गाइस, जितना ये न्यूट्रल के अंदर मूवमेंट करना है उतना गियर के अंदर मूवमेंट नहीं करेगा। आपको न्यूट्रल चेक करना है कभी भी, तो गाइस ये इस तरह मूवमेंट करता है, तो न्यूट्रल नहीं है। अगर गाइस ये इस तरह पूरी तरह मूवमेंट करता है स्मूथली, तो ये न्यूट्रल है। तो वापस बताते हैं गाइस एक बार फिर वीडियो में, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये आगे आगे लेके थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव, और ये रिवर्स। तो गाइस, ये रिवर्स हो चुका है गाड़ी, तो आप इस वीडियो के अंदर अच्छे तरह से देख लीजिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, रिवर्स। तो गाइस, आपको कभी भी गलती नहीं करनी कि गाड़ी को डायरेक्ट सेकंड गियर या थर्ड गियर में नहीं उठाना गाइस। जो नया बंदा फर्स्ट बार चला रहा है उसको फर्स्ट गियर डालना है आराम से क्लच दबा के, और हैंड ब्रेक का ध्यान रखते हुए गाइस हैंड ब्रेक को नीचे पुश करना है, और फर्स्ट गियर लगा के गाड़ी को आप चला सकते हैं। तो आपको गियर का सिस्टम समझ में आ गया गाइस, बहुत ही आसान है। सभी गाड़ियों के अंदर, बहुत सी गाड़ियों के मैनुअल गाड़ियों के अंदर मैनुअल गियर होते हैं, वो ऐसे ही वर्क करते हैं गाइस। और जो ऑटो गियर होते हैं, ऑटो गियर का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, और मैनुअल गियर जो यही है गाइस, छः गियर, तो बहुत सी बड़ी गाड़ियों के अंदर रिवर्स गियर यहाँ पे आता है, बल्कि वो फर्स्ट गियर यहाँ आता है। तो उसके अंदर क्या होगा गाइस, उसके अंदर या तो यहाँ पे पुश बटन होगा, यहाँ पे रिंग वाला, या यहाँ पे लॉक होगा, उसको पुश करके आगे की तरफ दबाते तो उसमें रिवर्स गियर आ जाता है। और ये अपनी जो अल्टो वगैरह छोटी गाड़ियाँ हैं जो नॉर्मल है, ऑटोमेटिक नहीं है, उसके अंदर ही आपको गियर ऐसे मिल जाएगा, सिक्स गियर का सिस्टम, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, और रिवर्स। गाइस, आपको समझ में आ जाएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये रिवर्स। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हुई गाइस।